हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो ये जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का होता है। वो डिपेंड करता है कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, सम है, वह कितना होता है। ठीक है, जीरो जीरो ऑर्डर, वन होने पे फर्स्ट ऑर्डर, टू होने पे सेकंड ऑर्डर, थ्री होने पे थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, उसको अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, यह कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड की जब फॉर्मेशंस सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जाती है तो इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है। दूसरा, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इनटू N2 एंड हाइड्रोजन, यह जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस मींस रेट उसका जो है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता, उनके पावर जीरो होते हैं। ठीक है, तो वह जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस हो गए। कुछ फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन, जैसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 का जब डिसोसिएशन होता है तो N2 और H2O में कन्वर्ट होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है। ठीक है, तो इस तरह कुछ रिएक्शंस हैं जिनके एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट, अब हम लोग सीखते हैं यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट टॉपिक लिख लीजिए पहले। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में आप देखेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा अभी कि रेट कोई रिएक्शन मैं ले लेता हूं, मान लिया ये आर है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट है। तो रेट हम लोगों ने ये निकाला है कि रेट इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा समझ में आ रही बात? यदि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो ये रेट लॉ हमने लिखा है। ठीक है, इस रिएक्शंस का रेट लॉ हमने लिखा है। अब ये रिएक्शंस यदि nth ऑर्डर की हो, रेट तो इतने होते हैं, यदि जीरो ऑर्डर की हो तो पावर जीरो, ये फर्स्ट ऑर्डर की हो तो पावर वन, सेकेंड ऑर्डर की हो तो पावर टू, जैसे ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस हो तो इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ऐसा लिखा जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यदि फर्स्ट ऑर्डर का हो तो रेट क्या लिखेंगे, इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर वन, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन यदि हमें nth ऑर्डर की रेट लॉ लिखनी है तो nth ऑर्डर के लिए रेट क्या हो गया, इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर एन, ऐसा। ठीक है, अब ये रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर एन। ध्यान से समझिएगा, अब यहां से ये क्या है डी आर,
डीआर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी क्या ये कंसंट्रेशन है ना, तो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन टाइम, यानी कि ये टाइम है, इक्वल टू के इंटू ये क्या है, यहां भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ठीक है, टू दी पावर स्मॉल एन। अब हमें के की यूनिट निकालनी है, तो के इक्वल टू, इसको मैं सी से लिखता हूं कंसंट्रेशन को, तो देखिए के इक्वल टू यहां सी बाय टी इंटू सी टू दी पावर एन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सी टू दी पावर वन माइनस एन इंटू टी टाइम, तो टी टू दी पावर माइनस वन, और यहां से देयर फॉर के इक्वल टू सी टू दी पावर वन माइनस एन इंटू टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, टी पर सेकेंड। ये हो गया एंथ ऑर्डर की के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट सी, ठीक है, टू द पावर वन माइनस एन पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एंथ ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स को वन माइनस एन से, अब देखिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं, पावर कंसंट्रेशन टर्म्स का जो पावर होता है वो जीरो, ठीक है, तो वन माइनस एन इक्वल टू जीरो, वन माइनस एन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, एन इक्वल टू वन फॉर जीरो ऑर्डर। तब देखिए देयर फॉर के कितने हो गए, तो के इक्वल टू, तो जीरो ऑर्डर के लिए देखिए यहाँ एन की वैल्यू वन, तो ये सी टू द पावर जीरो पॉइंट पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए वन माइनस एन इक्वल टू जीरो हो, यहां पर देखिए, हाँ ठीक है, तो वन माइनस एन इक्वल टू जीरो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस यहां से ए वन माइनस, देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, तो वन माइनस एन ये तो टोटल पावर है, तो ये n जीरो हो जाएगा, ठीक तो है, जीरो यहाँ से। अब हम लोगों को ये देखना है कि के की वैल्यू निकल गई यहाँ से इतना, अब हमें फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए एन, यहाँ जो है एन की वैल्यू हमें जीरो देना है, एन क्या है पावर, एन क्या है पावर, जैसे देखिए यहाँ से एन ऑर्डर की रिएक्शंस थी, तो यहाँ एन है ना, हाँ, तो यहाँ एन की पावर, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एन इक्वल टू जीरो, ऐसे और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एन इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ तो हमने एंथ ऑर्डर कर लिया था, तो हमारा ऑर्डर तो ये नहीं है, जीरो ऑर्डर है, तो एन की वैल्यू जीरो, तो एन की वैल्यू जीरो, तो ये वन माइनस जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया सी पर सेकेंड। अब सी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये उनका यूनिट हो गया, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, बात आ रही समझ में। अब यदि ये गैस फेज की रिएक्शंस हो, तो जब गैस फेज की रिएक्शंस हो, ठीक है, चलिए पहले जब ये गैस फेज की रिएक्शंस हो, तो इसमें यहाँ पर प्रेशर आएंगे, अब प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे एटीएम पर सेकेंड, इसका हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड। देखिए फॉर गैसियस रिएक्शंस, फॉर गैसियस रिएक्शंस, यदि गैसियस रिएक्शंस हो,
ठीक है, तो गैसियस रिएक्शंस के लिए के इक्वल टू सी टू दी पावर वन है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर पी, तो और ये हो जाएगा एटीएम एटीएम पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। तो गैसियस रिएक्शंस हो तो एटीएम पर सेकेंड, यदि कंसंट्रेशन टर्म्स में हो तो वो मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि वन, एन इक्वल टू वन, देयर फॉर रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल टू सी टू द पावर वन माइनस एन, यानी कि वन इंटू सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएंगे c टू द पावर जीरो और ये पर सेकेंड हो गए, ठीक है, देयर फॉर के इक्वल टू, यहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स है ही नहीं, यानी इसका जो यूनिट है वो केवल पर सेकेंड है, ठीक है, तो ये गैस में भी होगा तो इसका यूनिट ही होगा, पर सेकेंड ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन को, तो उसका यूनिट क्या होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर n की वैल्यू टू, देयर फॉर k इक्वल टू c टू द पावर वन माइनस टू और पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं पर सेकेंड, ठीक है, नीचे c और ये हो गया पर सेकेंड और ये c मोल पर लीटर, और इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, इसका सेकेंड ऑर्डर वाले रिएक्शंस का के का जो यूनिट है वो होगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। यदि ये गैस रिएक्शंस हो, ठीक है, यदि ये गैसियस फेज में हो तो गैस गैस फेज के लिए, गैसियस फेज रिएक्शंस के लिए ये हो जाएंगे k इक्वल टू एटीएम पर एटीएम पर सेकेंड, ऐसा। तो इस तरह से हम लोगों ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n की वैल्यू क्या होगी, थ्री, देयर फॉर k इक्वल टू c टू द पावर वन माइनस थ्री पर सेकेंड इक्वल टू c माइनस टू पर सेकेंड, और इसे हम लोग लिख सकते हैं पर सेकेंड डिवाइडेड बाय c स्क्वायर इक्वल टू पर सेकेंड c मोल पर लीटर, तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऊपर कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा। तो किसी भी ऑर्डर का रिएक्शंस हो, आप के की वैल्यू, ये के की यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए, डिफरेंट ऑर्डर वाले रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो आपने देखा कि यदि रिएक्शंस जीरो डिग्री का, जीरो ऑर्डर का हो तो उनका, उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट, ये उसके लिए पर मोल, उसके लिए जीरो डिग्री के लिए देखिए लीटर पर मोल, सॉरी ये सेकंड ऑर्डर के, जीरो के लिए को मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड,
सेकेंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकेंड, थर्ड ऑर्डर के लिए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे ये हमें हम लोगों को याद रखना है एनी हाउ, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने ये देखा सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की ये सारे रिएक्शंस हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं, यहाँ से पता चल रहा है। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वह केवल टाइम पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ये रिमाइंड करके रखेंगे, बारी बारी से इसको रिवाइज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको सीखा, कितने टाइप के होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं उसको आप लोगों ने यहां से देखा। अब हम लोग सीखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यदि रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तो निकालना हम लोग जानते ही है, कोई भी रेट एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट्स का जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे उससे जितने पावर से रेज किए जाएंगे उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे एक कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए, एक है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन, एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन which has the rate expression यहाँ पर given है, has the rate expression, जैसे first a यहाँ दिया हुआ है rate equal to k और a to the power 1/2 और b to the power 3/2 और सेकंड में दिया हुआ है रेट इक्वल टू k a to the power 3/2 और b to the power -1 ऐसा।
ऑर्डर निकलना काफी आसान है। ये रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ, रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स थे उनको जितने पावर से रेज किया जाता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसके यहाँ पर इसके ऑर्डर कितने हो जाएंगे देखिए, 1/2 + 3/2 = 4/2 यानी कि 2। इसके ऑर्डर क्या होंगे देख लीजिए, ऑर्डर = 3/2 - 1 = 3 - 1/2 ठीक है, 2/2 यानी कि 1। इस तरह से यानी रेट एक्सप्रेशन गिवन हो तो ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान होता है, आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सारे कुछ समझा होगा अच्छी तरह से आई थिंक, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो ये मॉलिकुलैरिटी क्या होता है इसको अब हम लोग पहले सीखते हैं कि मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है।